हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप में एंटर इज सेंड ये जो ऑप्शन है आप इसे कैसे ऑन कर सकते हैं और ये सेटिंग जो है ऑन करने के बाद किस तरीके से काम करती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप अपने जैसे ही व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कोई सा भी आप जो है कॉन्टैक्ट ले लीजिए और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो टाइपिंग का जो कीबोर्ड होता है, यहाँ पर आप ये ब्लू कलर का जो ये ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका एंटर है, ठीक है। अगर आप इसे एंटर दबाते हैं तो आपका ये नीचे की साइड में एक स्पेस हो जाता है, नीचे की साइड में आ जाता है लाइन में, ठीक है। तो हम जो है अब यहाँ पर ये व्हाट्सएप के होम पेज पे आ गए। अब यहाँ पर जो है थ्री डॉट का ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये सेटिंग का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ये चैट्स का ऑप्शन मिलेगा, चैट्स पे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको एंटर इज सेंड का ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसके सामने वाले बटन को आपको टैप करना है, ये ऑन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब आप जो है उसी कीबोर्ड वाले पेज पे आप वापस चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कीबोर्ड वाले पेज पे वापस आ गए, अब यहाँ पर हम जो है ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पर जो हमारा एंटर की है वो हमारा यहाँ पर जो है वो सेंड की बन चुका है, यानी कि जो पहले हम एंटर दबाते थे तो हमारा एक स्पेस आ जाता था नीचे, लेकिन अगर हम इसे जो है इसे दबाएंगे तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके से ये सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये सेंड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मतलब हमारी जो ये एंटर की होती है हमारी चेंज हो जाती है इस तरीके से, ठीक है, एंटर इज सेंड से। तो आप इस तरीके से जो है वो अपने व्हाट्सएप में एंटर इज सेंड जो ऑप्शन है उसे आप ऑन करके आप अपने कीबोर्ड का जो एंटर की होता है उसे आप सेंड की में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है कुछ इस तरीके से काम करती है। काफ़ी लोगों को जो है ये सेटिंग्स समझ में नहीं आ पाती है, तो इसे ज़रूर जो है आप इसे तसल्ली से इसे चेंज करके देखिए, तभी आपको जो है पूरे के पूरे व्हाट्सएप के बारे में पता चल पाएगा।